नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सूबे की राजधानी है साहब ये पिंक सिटी जयपुर। यूं तो शहर और शहर के लोगों को महफूज रखने के लिए यहां 24 घंटे पुलिस का बंदोबस्त रहता है। गश्ती गाड़ियां होती हैं और चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी होती है। लेकिन इन सबके बीच शनिवार को जो कुछ यहां हो गया वो वाकई हैरान कर गया। दरअसल इस गुलाबी शहर में दिन में ही काला धुआं भर गया, गुनाह का काला धुआं। शहर के दो अलग अलग हिस्सों में कुछ गुनहगारों ने जयपुर पुलिस के लिए दिन दहाड़े ही चुनौती खड़ी कर दी। दरअसल जयपुर के शिप्रापथ इलाके में एक बैंक के बाहर खड़ी कैश वैन से करीब 26 लाख रुपए की लूट हो गई। बदमाशों ने यह नकदी लूटी और फरार हो गए। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं कि असल में लूटी गई रकम कितनी थी, लेकिन माना जा रहा है कि लूट बड़ी हुई है। अब ये लूट कैसे हुई वो भी आपको बता देते हैं। शनिवार दोपहर कार सवार कुछ बदमाश यहां पहुंचे और बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। खबर तो ये भी है कि गार्ड ने भी बदमाशों से मुकाबला करने के लिए गोली चलाई, लेकिन बदमाश अपनी करतूत को अंजाम देकर भाग निकले। दरअसल जिस गाड़ी से ये लूट हुई उसमें रखा पैसा एटीएम में डाला जाना था, लेकिन इसी बीच ये वारदात हो गई। अब जाहिर है कि पुलिस को भी मौके पर तो पहुंचना ही था, वो पहुंची भी, शहर में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन अभी तफ्तीश कहां तक पहुंची साफ नहीं। अब ये तो हो गया पहला मामला, बात दूसरी वारदात की भी कर लेते हैं, क्योंकि लगता ऐसा है कि शनिवार का दिन शायद जयपुर पुलिस के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि उसके सामने फिर एक चुनौती खड़ी हो गई। और इस दूसरी घटना की तस्वीर सामने आई शहर के बैनार रोड से, जहां नाड़ी का फाटक के पास हथियारबंद तीन बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने लूटे और फिर ज्वेलर की स्कॉर्पियो लेकर भाग निकले। अब पहले कैश लुटेरों की तलाश और इसी बीच ज्वेलर को निशाना बनाने वालों की खोज। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि पुलिस को बदमाशों को लेकर कुछ सुराग भी मिले हैं और वो उनके आधार पर अपनी दौड़ भाग कर रही है। लेकिन बस सवाल ये है कि जब पूरे शहर में गश्ती दल घूमते हैं, पुलिस के पहरे होते हैं, तो छोटी मोटी तो छोड़ दीजिए, लूट की इतनी बड़ी घटना हो जाए और पुलिस को खेत उजड़ने के बाद ही खबर मिले तो फिर क्या कहा जाए। शहर में लगातार गश्त, लेकिन बदमाशों का अता पता नहीं। वाकई आंखों से काजल चुराने जैसा ही कहा जा सकता है। नमस्कार।